राधे राधे दोस्तों। भाई थोड़ा अजीब है। चलो शुरू जैसे भी है। भाई देखो, ये फर्स्ट टाइम है, मतलब थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा यार। तो मेरा नाम है दीपक और आज से हम करेंगे व्लॉगिंग। अभी मैं गांव आया हुआ था अपने मथुरा, मतलब बरसाने और गोवर्धन के पास में पड़ता है मेरा गांव। और अभी मैं सो के उठाऊं भाई। चलो तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सुबह कैसे हो गई मस्त। ये रहा मेरा मिस्टर भाई। ये रहा मेरा गांव। चलो ऊपर चल के दिखाता हूँ तुम्हें। चलो आज मैं मेला ही दिखाता हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे होली के बाद ना, होली के टाइम पे कुछ मेले होते हैं, मतलब कोई डेट आती है उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग मेले मनाए जाते हैं। तो आज हमारे गांव का मेला है तो वही दिखाएंगे तुम्हें। चलो फिलहाल चलते हैं अभी नीचे, क्योंकि मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। पर मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि मेले वाले दिन क्या क्या होता है, कैसे ये बाकी दिनों से अलग है। और आप वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा आपको कि लोग मेलों का इंतज़ार क्यों करते हैं। वैसे मुझे मेले पसंद हैं, आपको भी पसंद है बताना ज़रूर। हाँ तो भाई मैं नीचे आ गया दोबारा। और गांव के मेले की बात ये होती है कि यहाँ पे ना ऐसा होता है कि जब मेला होता है ना, तो अलग अलग मतलब अलग अलग गांव से जो रिश्तेदार होते हैं वो मेला देखने आते हैं, घूमने आते हैं। तो इस टाइम पे घर में जो होती है बहुत रौनक होती है, बहुत चहल पहल होती है, बहुत अलग अलग मतलब रिश्तेदार आते हैं। तो अभी सब आए हुए हैं, पर यार अभी मेले स्टार्ट हुए हैं, बहुत टाइम है, तो जब तक मैं दोबारा सो जाता हूँ। बाय बाय, सी यू। वन आवर लेटर। तो भाई दोबारा उठ चुके हैं, और भाई इस टाइम पे भी तुम देखोगे ना दोबारा सो के, तो 8 बज रहे हैं। और तुम्हें बाहर दूर दिखाता हूँ, एक मिनट। भाई देखो सूरज कितना ऊपर आ गया है। भाई 8 बजे यहाँ पे बहुत हो जाता, मतलब बहुत जल्दी उजाला हो जाता है यहाँ पे, बहुत जल्दी धूप पड़ती है यार। चलो बाकी काम मेला दिखाएंगे तो नीचे बुला रहे हैं। अपने बेड को सही करते हैं, मतलब कटिया को जलते हैं। राधे राधे कर दे सारे। राम राम राधे राधे। ये बन रहा सामान भैया मेले के बाद। वहाँ पे अम्मा बना रही हैं सब्जी और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं चूरमा। तो गांव में वैसे चूरमा होता है ना, वो ज़्यादातर इवेंट पे बनता ही है, और काफ़ी अलग अलग प्रकार से बनाते हैं यार। जैसे मम्मी बना रही हैं अभी, तो उससे पहले आटा लिया, आटे में मोमन डाला इन्होंने, मोमन डालने के बाद घी से इन्होंने लोई बनाई और घी में तल दिया बाद में। उसके बाद जैसे ओखल में मैं पीस रहा हूँ अभी, मतलब कूट रहा हूँ,
कूटने के बाद मम्मी छानते हैं इसे, और जो चूरा चूरा सा होता है उसमें घी डालती हैं, रबा, भूरा और फिर ड्राई फ्रूट्स जो भी डालने होते हैं जैसे किशमिश, काजू, काफ़ी अच्छा लगता है। आप बताना किस किस का चूरमा पसंद है। चलो गाइस हम अपनी भैंसिया से मिलवाते हैं। भैंसिया, ये हमारी भैंस है गाइस, और ये हमारी भैंस का पड्डा। क्या कर रही है, बुला रही है का? मारेगी तो ना, रुक जा रुक जाके काजे रिश्वत ले लेते हैं भाई, रिश्वत। ये सही रहेगा, ले खा ले खा ले खा ले। ना खा रही भैया, भाई डर तो लगता ही है भाई। कैसे? अरे बुला रही है, मार रही है भाई, पता नहीं भाई भैंस का। ये रही हमारी भैंसिया। दोस्तों बेसिकली होता है कि मेले वाले दिन गांव में दुकानें लगती हैं अलग चीज़ों की, खाने की चीज़ की बहुत सारी स्टॉल लग सकती हैं, और खेलने की जो खिलौने होते हैं खेलने के लिए, और झूले लगते हैं छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। मतलब जब मैं छोटा था उस टाइम पे तो भाई मुझे बहुत बड़े लगते थे वो झूले, डर लगता था उनमें झूलने से, पर अब। और रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं, मिलते हैं, होली खेलते हैं, जैसे अभी मतलब समधी और जीजा साली वो सब कुछ रिश्ते होते हैं तो वो होली खेलते हैं, पकवान खाते हैं, बातचीत करते हैं, खुश रहते हैं, मतलब अच्छा दिन होता है यार मिलने जुलने का। तो बहुत सारी दुकान लगती हैं, जैसे मैं सबसे ज़्यादा पान खा, तो आपको एक बार पान की दुकान पर लेकर चलूँगा। दोस्तों मेले की जो मेन चीज होती है ना, उनमें से एक चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अभी, बाकी तुमने देख ही लिया है कि खाना वाना बनता है, तो इनमें से एक चीज है जो है तुम्हें दिखाता हूँ, चलो देखो।
ऐसा था आज का दिन, आपको कैसे काली लगी? मतलब काली बहुत अच्छी होती है, पर वहाँ पे ना थोड़ा टाइम कम मिला था, इधर की तरफ रुखानी थी, थोड़ी आगे की तरफ गई थी वो। तो देख रहे भाई, महाराजों की तरह पंखा हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ यार। तो यार ये आज का मेरा पहला ब्लॉग था, तो होप शायद आपको अच्छा लगा हो। पहली बार क्या मेरे सामने थोड़ा अजीब होता है भाई, कुछ भी गड़बड़ हो तो माफ़ करना। और वैसे भी दिन थोड़ा ख़त्म नहीं हुआ, मेले का भी ये है कि आखिरी एक और मेन चीज़ है इसकी, रात को वो थोड़ा ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं हमारे गांव में, ठीक है। तो रात को होती है, पर वो थोड़ी सी अडल्ट से मतलब रिलेटेड होती है, जैसे कौन थी वो सपना चौधरी का डांस होता है ना, वैसे ही कुछ डांस होता है, और उसे देखते हैं लोग, मजाक मजाक करते हैं, मजे लेते हैं मतलब। तो वो रात को होता है, यही था, वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। एक अच्छे सीन से ख़त्म करते हैं ना वीडियो को, रात का भी।